एज हेड ऑफ़ दी स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबरा की हैसियत से ही डिसाइडेड आप फैसला करते आल केसेस तमाम मामलात का ऑन मेरिट मेरिट पर विद जस्टिस इंसाफ के साथ एंड इक्विटी। मदीना की रियासत के सरबरा की हैसियत से आप तमाम मुकदमात के फैसले मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ के साथ और बराबरी के साथ करते इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर क्रीड और रेस, तमीज़ किए बगैर रंग की अकीदे की और नस्ल की। वंस अ कुरैश वूमेन, एक दफ़ा कुरैश की एक औरत वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, चोरी के जुर्म में पकड़ी गई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर, कुछ लोग चाहते थे उसको बचाना फ्रॉम पनिशमेंट सजा से। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, ताकि वो कुरैश ख़ानदान की इज्जत को बचा सकें, कुछ लोग उस औरत को सजा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा टू इंटरसीड कि वह सिफारिश करें ऑन हर बिहाफ उसकी। उन्होंने हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी सिफारिश करने को कहा। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिक्वेस्टेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ़ करने की दरख्वास्त की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से में जवाब दिया, बनी इसराइल वाज रियूंड बिकॉज ऑफ दिस, बनी इसराइल तबाह हुआ था इसी वजह से। दे अप्लाइड लॉ, वो कानून लागू करते थे टू द पुअर गरीबों पर एंड फॉर गिव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे, इसी वजह से बनी इसराइल तबाह हो गया था। ड्यूरिंग द सरमन, एक खुतबे के दौरान एन अंसारी सींग सम मैन, एक अंसारी ने कुछ लोगों को आदमियों को देखते हुए फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनू थालबा, बनू सलबा के कबीले के कुछ आदमियों को देखते हुए एक अंसारी सिटिंग देयर, जो कि वहाँ बैठा था, स्टूड अप खड़ा हो गया एंड पॉइंटेड टूवर्ड दैम एंड सेड, उनकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, ओह मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, देयर एंसेस्टर्स, इनके बाप दादा ने किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया है। वी अपील टू यू, हम आपसे गुजारिश करते हैं टू गेट वन ऑफ देम, कि आप इनमें से एक को हैंग्ड फांसी पर लटका दें इन एक्सचेंज ऑफ फॉर डैट, उस शख्स के कत्ल के बदले। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, बाप का इंतकाम, कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता उन हिस्सा उसके बेटे से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बाप का जो इंतकाम है वो उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। डैट इवन द ज्यूज़, यहाँ तक कि यहूदी, हु वर हिज बिटर एनिमीज़, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, ब्रॉड देयर सूट्स, वो अपने मुकदमात लाते टू हिम, आपके पास, एंड ही डिसाइडेड केसेस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करते तमाम मुकदमात का, तमाम मामलात का, इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, आपने बड़ी सख्ती के साथ अल्लाह के हुक्म की तामील की। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आएँ, आइदर जज बिटवीन दैम, या तो तुम उनके दरमियान फैसला करो, और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या तुम इनकार कर दो मुदाखलत से। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनकार कर दो, दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट, वो कम अज़ कम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। इफ़ यू जज, अगर तुम फैसला करो, जज इन इक्विटी बिटवीन दैम, तो उनके दरमियान अदल की बुनियाद पर फैसला करो। फॉर गॉड लव्स दोज, क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इन इक्विटी, जो बराबरी पर फैसला करते हैं। डिमांड्स, इंसाफ मुतालबा करता है। डैट इट शुड बी अपहोल्ड, केस को थामे रखना चाहिए। इन ऑल द सरकमस्टांसिस, तमाम हालात में, हर किस्म के हालात में इंसाफ को थामे रखना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, यहाँ तक कि अगर ये किसी शख्स के अपने खिलाफ जाए, और वंस फैमिली और रिलेशन, या किसी की ख़ानदान या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ जाए, तब भी उसको थामे रखना है, इंसाफ करना है। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर्स विद जस्टिस एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट। अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों के जो मामलात थे वो इंसाफ की बुनियाद पर करते, और अपने साथियों, अपने सहाबा को भी मुनसिफ रहने का हुक्म देते।
इट इज़ रिपोर्टेड बाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है डेट अल्लाह मैसेंजर के अल्लाह ताला के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, वैन टू मैन कम टू यू जब दो आदमी तुम्हारे पास आए फॉर जजमेंट इंसाफ के लिए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, तो कभी किसी एक की हमायत में फैसला ना करना, विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे शख्स के आर्गूमेंट्स दलाइल को सुने बगैर, इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, तब कभी इम्कान है, मुमकिन है, डैट यू विल नो द ट्रूथ, के तुम सच को जान पाओ, अगर तुम दोनों के आर्गूमेंट्स, दोनों के दलाइल सुन के उनके दरमियान फैसला करोगे तो कभी इम्कान है कि तुम सच को जान पाओ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ सेइंग, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के पैगम्बर को ये कहते हुए सुना, एनी रूलर और जज, कोई भी हुक्मरान या जज या मुनसिफ, हु क्लोजेज हिज डोर्स ऑन द पुअर, जो अपने दरवाजे बंद करता है गरीबों पर, द नीडी ज़रूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट और मुफलिसों पर, गॉड क्लोजेज हिज डोर, अल्लाह ताला अपने दरवाजे बंद करता है, ऑन हिम उस शख्स पर, व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, जब वो शख्स ज़रूरतमंद और मुफलिस बन जाता है, वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने ऐलान किया, इफ़ आई ओड समथिंग, अगर मैंने किसी से कुछ लिया, समथिंग टू एनी वन, अगर मैंने किसी से कुछ लिया है, और आई इफ़ आई रोंगड एनी पर्सन, या मैंने किसी शख्स के साथ रोंगड गलत किया है, और डैमेज्ड एनी वन प्रॉपर्टी और ऑनर, या किसी शख्स की इज्जत और जायदाद को नुकसान पहुँचाया है, माई पर्सन माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, मेरी ज़ात मेरी इज़्ज़त और मेरी जायदाद यहाँ है, ही मे टेक रिवेंज, वो इंतकाम ले सकता है, वो बदला ले सकता है, फ्रॉम मी मुझसे, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी, ओनली वन पर्सन डिमांडेड, सिर्फ एक शख्स ने डिमांडेड मुतालबा किया, आ फ्यू दिरहम्स, चंद दिरहम्स का, विच वर पेड टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए। अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जांपल, अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया अपनी अमली मिसाल से, डैट नो वन कुड बी मोर फेयर फॉर जस्टिस दैन हिम, कि कोई भी शख्स इंसाफ के लिए पुख्ता अज़म नहीं रखता उनकी उनसे ज़्यादा, इवन इफ़ इट वॉज़ अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डेयर टू हिम, यहाँ तक कि अगर वो उनके अपने मफाद या उन लोगों के मफाद के खिलाफ चला जाए जो कि उनके प्यारे और करीबी हों। ही डिसाइडेड एवरी केस, आप हर मामले का फैसला करते, ब्रॉट टू हिम, जो आपके पास लाया जाता, बाय फ्रेंड और फू, चाहे वो दोस्त लाए या दुश्मन, विद जस्टिस इंसाफ के साथ आप उसका फैसला करते, विदाउट फियर ऑफ फेवर, हमायत के खौफ के बगैर, अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, इस किस्म के आला जर्द का मालिक शख्स ट्रांसेंड्स अबूर कर सकता है द बैरियर्स, रुकावटों को, ऑफ टाइम एंड स्पेस, वक्त और हालात की हर किस्म की रुकावटों को, इस किस्म का आला ज़र्फ शख्स अबूर कर सकता है, पीपल ऑफ आल एजेस, हर उम्र के लोग, कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी से हासिल कर सकते हैं, टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस, अपने आप को रहनुमाई फराहम करने के लिए, इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़, अपनी सरगर्मी के मुख्तलिफ शोबों में ख़ुद को रहनुमाई फराहम करने के लिए, लोग हर उम्र के लोग इनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, कुरान पाक आप सल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू को बड़ी वजाहत से बयान करता है, वी हैव इंडीड, हम दर हकीकत रखते हैं, इन द मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के पैगंबर में, अ गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्ट, करदार की एक आला मिसाल, एक अच्छी मिसाल, फॉर एनीवन, हर उस शख्स के लिए, हुज होप इज़ इन अल्लाह, जो कि अल्लाह पर यकीन रखता है, एंड द फाइनल डे और योम आखरत पर।